जब आप अपने किरदार को जानना शुरू करते हो तो फिर जॉय बाग हो या कोई और हो, कोई और कैरेक्टर हो, उसको समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब उसी प्रोफेशन के बड़े सीरियस लोग जब आपके परफॉर्मेंस को अप्रूव करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो आप समझिए कि वो डर इसलिए था कि मैं गिरूं नहीं, और लोगों ने उसको समझ दिया कि मैं डर जो है मौत का है। तो दोनों जो है एकदम सिमिलर ही होती है। तो और दूर से ही मैंने देखा यार कितना हैंडसम आदमी है, कितना सेक्सी है, व्हाई हैज नो वन प्लग्ड इनटू दिस साइड ऑफ हिम। तो वहीं मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये मेरे हत्थे आ रहे हैं तो कुछ तो मैं करवा के ही जाऊंगा इससे। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति जायसवाल और जनसत्ता में आज हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हैं, मनोज बाजपेयी और कनु बहल। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का जनसत्ता पर। कैसे हैं आप? और अभी कनु सर कितने एक्साइटेड हैं आप, आपकी फिल्म आ रही है मनोज बाजपेयी जी के साथ? जी बहुत बहुत, काफी लंबी जर्नी रही है और काफी सारी मेहनत करी है, तो ऑब्वियसली जब फिल्म बाहर आने वाली होती है और ऑडियंस से मिलने वाली होती है तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है देखने की। यू लुक फॉरवर्ड कि कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, कैसी लगेगी लोगों को फिल्म। काफी रेलेवेंट भी है मुझे लगता है आज के टाइम्स के लिए, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कमिंग आउट एंड पीपल सीइंग इट। मनोज जी पहली बार क्राइम जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं आप और बहुत ऑथेंटिक लग रहे हैं आप। जो क्राइम जर्नलिस्ट होती है उसकी मनोदशा आपने पकड़ ली है। इमोशनली जॉय से कनेक्ट होने के लिए कितना वक्त लगा और आपको कितनी मेहनत लगी है? हम सबके अंदर जॉय है। हम जो है, हम लोग मोस्ट ऑफ टाइम हमारा क्या होता है कि हम सब अपनी कहानी के हीरो है ना जी। हम जब अपने आप को हीरो मानते हैं अपनी कहानी का, तो हम सिर्फ उसमें अमिताभ बच्चन देखना चाहते हैं हम। जबकि खास बात यह है कि हम सब में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है जी। और इसीलिए सब किरदार जो है बड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा ये लगा कि इसने जॉय बाग को मैंने अपने हीरो और मैंने अपने विलेन के नजरिए दोनों से देखा, तो उससे रिलेट करने में आसानी होती है। कोई भी कैरेक्टर जब आप करते हो तो उसको आप बिल्कुल अलग थलग रख करके उसको नहीं पहचान सकते हो, उसको आपको पहचानने के लिए अपने ही किरदार के जरिए आपको उस किरदार के पास जाना पड़ता है। जब आप अपने किरदार को जानना शुरू करते हो तो फिर जॉय बाग हो या कोई और हो, कोई और कैरेक्टर हो, उसको समझने में बहुत आसानी होती है। कनु जी, जैसा कि मनोज जी ने बताया कि उनका जो किरदार है जॉय का, ना वो पॉजिटिव है, ना वो हीरो है, ना वो एंटी हीरो है, उसकी जिंदगी में कई सारे शेड्स हैं। तो आपने जो एक क्राइम जर्नलिस्ट का ह्यूमन साइड दिखाया है उसको आपने कैसे पकड़ा है? और कई क्राइम जर्नलिस्ट बुरा भी मान सकते हैं कि आपने उन्हें हीरो की तरह नहीं दिखाया है। नहीं, मुझे नहीं लगता बुरा मानेंगे क्योंकि बहुत सारी फिल्मों में ऑलरेडी उन्हें हीरो दिखाया जा चुका है। तो बहुत सारी ऐसी फिल्में, पूरा एक कलेक्शन है, स्पॉटलाइट जैसी फिल्में हो, आई एम श्योर मैं बहुत सारे नाम मिस कर रहा हूँ, तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो जर्नलिज्म के पॉजिटिव साइड के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं और उसको उसकी इम्पोर्टेंस को एक अलग नजरिए से बात कर चुकी हैं ऑलरेडी। मुझे लगा कि ये एक मौका है काउंटर पॉइंट भी इस बारे में देने का, क्योंकि जिस दुनिया में अब हम रह रहे हैं, ना सिर्फ हमारे देश में बट द वर्ल्ड ओवर अगर आप देखें, तो एक तरह का माहौल हम फील करना शुरू कर रहे हैं। जैसे जैसे वेल्थ गैप बढ़ रहा है और पावर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है कॉर्पोरेट्स के हाथ में या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में, तो एक तरह का माहौल अब बन रहा है जिसके बारे में बात करना मुझे लगा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिल्म का जर्म तो शुरुआत का वहीं कहीं से था, वहीं से आके मैंने उसे अप्रोच करने की कोशिश करी। मनोज जी, मामी फिल्म फेस्टिवल में, इफी में, जेएफएफ जैसे कई फेस्टिवल में इस फिल्म को दिखाया जा चुका है, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले होंगे आपको, तो आपको सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा, जो किसी ने दिया हो, जो आपको बहुत अच्छा लगा है, वो क्या है? नहीं, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों से भी बात हुई मेरी। सबसे अच्छा लगा कि हुसैन जैदी और अश्विनी वर्डे दोनों जो इस तरह के दुनिया को बहुत करीब से उन्होंने देखा है, उनके हिसाब से चीज़ें एकदम मेरी परफॉर्मेंस में उनको वो देखने को मिला, वो किरदार उनको लगा कि जैसे आसपास के कई सारे उनके अपने जानने वाले लोगों का चेहरा उनके दिमाग में घूम रहा था,
तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब उसी प्रोफेशन के बड़े सीरियस लोग जब आपके परफॉर्मेंस को अप्रूव करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और एक सीन है जहां पर आप बाइक से जा रहे हैं और गुंडे आपके पीछे लग जाते हैं, तो बाइक चलाते हुए जो आपके चेहरे पर डर दिख रहा है, जो कमाल का मतलब आपके अंदर टैलेंट है, उस रोल से जुड़ा अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस आप बताना चाहे, क्योंकि जब वो पर्दे पर निखर कर आया तो वो बहुत ही सुंदर आया और हम लोग देख कर इम्प्रेस हो गए कि मतलब क्या कमाल का काम किया आपने। नहीं नहीं देखिये वो डर इसलिए है क्योंकि कनू बहल के साथ में क्या है कि वो कहता है कि कैमरे के लिए बाइक स्लो नहीं करना है, आप पूरे तरीके से चलाइए कि मौत आपके पीछे है और आपको भगाना है उतनी तेजी से, और मैं स्लो बाइक जो है स्लो नहीं देखना चाहता हूँ। तो आप समझिए कि वो डर इसलिए था कि मैं गिरूं नहीं, और लोगों ने उसको समझ दिया कि मैं डर जो है मौत का है, तो दोनों जो है एकदम सिमिलर ही होती है। तो मैं जिस तरह से बाइक भगा रहा था, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेज बाइक नहीं चलाई, मेरा अपना ड्राइवर भी उसको ये इंस्ट्रक्शन है कि वो गाड़ी मेरी हाईवे पे भी जो है 80 से ऊपर नहीं जाती है। तो मैं खुद इतना डरा हुआ आदमी जब मैं ड्राइव करता हूँ या मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ, लेकिन कनू बहल बड़े स्ट्रिक्ट बिल मेकर हैं, इनको जो है बाइक उसी स्पीड पे चाहिए थी जैसे कि अगर आप सच में मौत से भाग रहे हैं। अच्छा, कनू बहल को आपने कई इंटरव्यू में बोला कि ये बहुत पागल डायरेक्टर मुझे मिला है। तो पागल है। कोलैब कैसे हुआ आपका उनके साथ? नहीं, इसीलिए वो कोलैब हुआ क्योंकि वो पागल है। एंड आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर पीपल हु आर क्रेजी मैड अबाउट देयर वर्क एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई फ्रॉम देयर फिल्म एंड फ्रॉम देयर कोलैबोरेटर्स। तो वो मेरा मुझसे अच्छा काम निकलवाते हैं वो, तो मुझे इस तरह के क्रेजी और पागल लोग चाहिए अपनी जिंदगी में। कनु, आपने ईशानी के साथ मिलकर ये फिल्म लिखी है और लिखते वक्त बहुत सारी रिसर्च की है, और फिल्म देखते वक्त कई बार ऐसा लगा कि ये क्या ये जेडे की रियल लाइफ से इंस्पायर फिल्म है? वैसे तो बहुत सारे छोटे छोटे कई सीन कहीं ना कहीं से हमें जोड़ते हैं, तो क्या बहुत ज्यादा इंस्पायर है ये फिल्म उनसे? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे सिर्फ जेडे के नहीं, एक्चुअली शुरुआत गौरी लंकेश से हुई थी जब हमने बातचीत करनी शुरू करी, और ऑब्वियसली फिर जब रिसर्च करना शुरू किया तो बहुत सारे और इंसिडेंट्स के बारे में भी बात हुई, जिसमें जेडे का भी एक इंसिडेंट था काफी पॉपुलर। बट चलते चलते हमको ये लगा कि ये जो फिल्म कहना चाह रही है हमारे जरिए, जो बोलना चाह रही है, वो जो बात बोलना चाह रही है, वो किसी एक केस से बहुत ज्यादा बड़ी है, और अगर हम किसी एक केस में फंस के रह जाएंगे तो ये जो लार्जर मेटा है फिल्म का, उसको एक बहुत बड़ी डिससर्विस हो जाएगी। तो फिल्म एक्चुअली लिखते 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 इवॉल्व होके अंत में बहुत सारी चीजों के बारे में बन गई है और एक लार्जर बात कहना चाह रही है, रादर देन कोई एक केस या कोई एक मिस्ट्री या वो तो एक बहाना है बस कहानी के अंदर आने का। एक्चुअली लाइव फिल्म इस पूरे क्राइम जर्नलिज्म के वर्ल्ड के बारे में आपसे बात करना चाहती है इस एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के थ्रू। अच्छा, जब हम लोग मीडिया की पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी फिल्में देखते हैं कि जिससे हमें बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जर्नलिस्ट बनना है, कि जो हम मतलब मैं अपनी अगर बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी फिल्में देख कर हम आगे बढ़े और इस फील्ड में आए। तो आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी फिल्म आएगी तो जो स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो थोड़ा इससे दूर भागेंगे कि अच्छा ये बहुत अंधेरा है यहाँ पर? देखिए ये ना मुझे, मैं पर्सनली इससे अग्री नहीं करता, मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि सिनेमा पे हम उल्टा ये ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। फिल्में जो हमारे आसपास रियलिटी हो रही होती है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा तो आपको ऐसी फिल्में नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि सडनली ये किसी की इमेजिनेशन से तो नहीं आया बाहर। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, काफी रिसर्च्ड फिल्म है, हमारे आसपास जो हो रहा है उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक फिल्म इस तरह से, तो फिर किसी भी फिल्म में कभी कोई मर्डर दिखाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को मार दिया तो फिर वो फिल्म हमें मारना सिखा रही है। बट आई डोंट थिंक फिल्म्स, इट्स द अदर वे अराउंड, हमारे आसपास जो हो रहा होता है
वो फिल्मों में झलक रहा होता है। फिल्मों में जो हो रहा होता है वो असलियत में होना होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और मनोज वाजपेयी से जो किसी ने नहीं करवाया वो आपने करवा दिया, बहुत इंटीमेट सीन दिया इन्होंने और बिल्कुल अलग अवतार में नजर आए हैं। कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं तो लोग कह रहे हैं अरे मनोज वाजपेयी ऐसे सीन, तो कैसे आपने उन्हें एग्री कराया? और मनोज जी मेरा आपसे भी सवाल है कि क्या नर्वस हो रहे थे आप, क्योंकि बहुत कुछ किया आपने अपनी लाइफ में लेकिन ये वाला मतलब इंटीमेट सीन आपने फर्स्ट टाइम दिया है। कम से ही पूछिए सर, यही ये है। मैंने एक्चुअली शुरू में जब इनसे मिला, मैं पहली बार जब हमारी फोन पे बात हुई और मैं स्क्रिप्ट लेके गया तो मैं मिला, जब मैं एंटर किया एक रेस्टोरेंट में हम मिले थे तो ये खड़े हुए थे किसी से बात कर रहे थे और दूर से ही मैंने देखा यार कितना हैंडसम आदमी है, कितना सेक्सी है, व्हाई हैज नो वन प्लग्ड इनटू दिस साइड ऑफ हिम। तो वही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब ये मेरे हत्ते आ रहे हैं तो कुछ तो मैं करवा के ही जाऊंगा इनसे। But no, on a more serious note, the film actually, as I said, you know, as Manoj also is saying, it's not a film about a journalist or a crime journalist. एक इंसान के बारे में है, वो हम सब की तरह हार्ड मास का इंसान है और उसकी अपनी एक पर्सनल लाइफ है जो क्राइसिस में है और किसी भी एक कैरेक्टर के सबसे पर्सनल मोमेंट्स जो कि सेक्सुअल इन नेचर हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप किसी एक और इंसान के साथ होते हो, आई फील लाइक दोज मोमेंट्स आर द मोस्ट रेवेलेटरी अबाउट देयर कैरेक्टर, क्योंकि वो उस मोमेंट में एक और इंसान के साथ इतने सच्चे मोमेंट में होते हैं कि वो मोमेंट्स आर शुड बी माइंड फॉर द मोस्ट मैक्सिमम ट्रूथ that an audience can see about that character. So why should we shy away from those moments? जब तक आप titillate नहीं कर रहे हैं, जब तक आप you know उसको exploitative moment नहीं बना रहे हैं, अगर वो sexual scene emotions के बारे में, emotional transactions के बारे में है, तो उससे परहेज करने का कोई भी reason मुझे नहीं समझ में आता है। मनोज जी आपसे पूछूंगी, क्या आप एग्री हो गए थे तुरंत या फिर आपको टाइम लगा था, क्योंकि ऐसा रोल आपने पहले कभी नहीं किया है? नहीं, मेरे लिए कोई सीन के कारण अग्री या डिसएग्री नहीं होता। मैं तो पहले ही बोल दिया था इसको कि हम काम कर रहे हैं, यार मुझे तो अच्छी लगी स्क्रिप्ट, लेकिन सिर्फ इतना मैंने पूछा था, मुझे पता नहीं और कनु की याद है कि मैंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या इसकी जरूरत है, लेकिन जो इसका जवाब था कनु का वो यही था जो कनु ने यहाँ पे दिया आपके सामने, और मुझे लगा कि लेस मतलब यहाँ पे विल फाइंड आउट, हम लोग आगे देखते हैं कि क्या खोज सकते हैं यहाँ पे, कहाँ तक जा सकते हैं। मेरा अपना नेचर एक शाय आदमी का है, एक रिजर्व हूँ मैं, प्राइवेट हूँ, तो कैमरे के सामने ये सब करने में जरूर हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं ऑलरेडी कुछ एक सीन्स कर चुका था जैसे किलर सूप वगैरह में और इसके पहले भी, लेकिन हमको इसमें और आगे जाना था। और इसमें जो सबसे एक तो वर्कशॉप हमने कनु का वर्कशॉप किया था जो काफी उसने हेल्प किया, प्लस मेरे साथ जो लड़कियां थी, चाहे वो शहाना गोस्वामी हो, चाहे वो अर्चिता हो, चाहे वो री हो, ये तीनों लड़कियों ने अपने अपने लेवल पे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल किया मुझे। जिस तरह से इन्होंने उन सारे सीन्स को अप्रोच किया, that has actually given me lot more strength to just go ahead and you know just reveal myself completely. So I think the most of the credit should go to the girls. Aaj ke matlab ye ladkiyan kitni strong hai, kitni comfortable hai, you know, with their own body, ye sab cheeze seekhne ke liye. Bilkul sahi baat hai, aur ye saal aapke liye bahut acha raha, aur ab ye saal ja raha, jaate jaate ab ek kamaal ki film lekar aa rahe hain, तो अगर पूरे साल को आप देखें तो किस तरह से आप इस अपने साल को देखते हैं, कैसा रहा, और अब आने वाला साल 2025 उसके लिए आप किस तरह के तैयार हैं और क्या कुछ उम्मीद है इस नए साल से? हर साल का यही चीज होता है कि अलग अलग जॉनर करते रहो, जस्ट कीप डूइंग समथिंग यू नो यूनिक एंड न्यू विद योरसेल्फ, कीप टेस्टिंग योर ओन लिमिटेशन, कीप ब्रेकिंग इट, नए कनु जैसे नए एक्साइटिंग माइंड के साथ काम करो, अपने आप को इम्प्रूव करो और आगे बढ़ते रहो। इट्स इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट यू नो 13 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाएगी, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज, बट आफ्टर अ मंथ देन अगेन यू नो वंस यू पार्टी विद कनु एंड एवरीवन, देन यू मूव ऑन फ्रॉम देयर, यू कीप योर फ्रेंडशिप अलाइव
यू कीप द मेमोरीज अलाइव, बट यू नो इवेंचुअली आपको बस आगे बढ़ना है, कुछ और अच्छा ढूंढना है, कुछ और अच्छा करना है. सो यही दिमाग में रहता है मेरे हमेशा. थैंक यू मनोज जी, थैंक यू कनु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और 13 दिसंबर को Z5 पर यह फिल्म आ रही है, सभी लोग जरूर देखिएगा. जरूर देखिए, लेकिन बच्चों के साथ ना देखिए, अडल्ट फिल्म है. जी 18 प्लस यह फिल्म है. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के. थैंक यू. मैं तो ट्वीट करने वाला हूँ, इट्स एन अडल्ट फिल्म स्ट्रीमिंग नाउ. ओके, बाय बाय.